मैं हूं शशांक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूं और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूं, जो आज मैं 12th बोर्ड का हिंदी पढ़ाने वाला हूं, जो 100 मार्क्स का हो गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों 100 मार्क्स का हो गया, आप लोग जानते ही हैं, मैं पिछले वीडियो में भी मैं बताया हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मैं प्रथम चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। प्रथम चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ, प्रथम चैप्टर होगा बालकृष्ण भट्ट का है। प्रथम चैप्टर कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का है। और मैं आज आप लोगों को जैसा बताया था पिछले वीडियो में कि मैं आज लेखक का परिचय दूंगा और सारांश बताऊंगा, ठीक है, तो मैं वही करने वाला हूं। अब लेखक का परिचय है बालकृष्ण भट्ट, देखिए यही है बालकृष्ण भट्ट। और इनका जन्म हुआ था 3 जून 1844 और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1844। ये सब थोड़ा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हाँ, और इनकी भाषा क्या थी, मतलब जो जितने भी रचना किए मोस्टली ये क्या किए, हिंदी में ही किए। और विधाएं इनकी क्या थी, विधाएं मतलब ये ज़्यादातर कविता लिखे, निबंध लिखे और नाटक लिखे, ठीक है बच्चों। और देखिए अब इनकी किस तरह की कृतियाँ थी, इनकी जो मुख्य कृतियाँ थी वो क्या क्या थी, ठीक है, आप लोग को मैं थोड़ा सा बता दूँ। तो इनकी मुख्य कृतियाँ थी निबंध संग्रह, निबंध संग्रह में साहित्य सुमन था और भट्ट निबंधावली। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग को दे दे रहा हूँ। भट्ट निबंधावली में इनके 1000 से लगभग और ज़्यादा ही निबंध हैं, संकलन किया गया है, 1000 से ज़्यादा निबंध है भट्ट निबंधावली में। और इनका उपन्यास है, इनका उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी और 100 जान 100 सुजान, बहुत अच्छी उपन्यास है, मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, आप लोग को अच्छा लगेगा, देखिएगा। और मैं बता दूँ आपको कि सबसे ज़्यादा हिंदी में अगर कोई लेखक हैं मतलब अधूरा उपन्यास लिखने वाले तो यही हैं, मैं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आप भविष्य में भी अगर हिंदी से ग्रेजुएशन करें या बीएड वगैरह करें तो हाँ आपको ये सब काम आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा अधूरा उपन्यास तो यही लिखे थे, कौन? बालकृष्ण भट्ट। हाँ, नाटक, नाटक में आपको बता दूँ दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह और चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, ये सब इनका नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है। ये सब एग्ज़ाम में, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जितने भी हिंदी हैं वहाँ पर ये सब कभी कभी एक दो नंबर पूछ दिया जाता है, ठीक है। और देखिए अनुवाद, बेनी संहार, मृच्छकटिक और पद्मावती। अनुवाद देखिए क्या, मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जैसे कोई दूसरी भाषा में लिखा हुआ और उसको हम दूसरे भाषा में अनुवाद करते हैं, जैसे संस्कृत में लिखा उसको हम लोग हिंदी में अनुवाद करें, इंग्लिश में है तो उसको हम लोग हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, या हिंदी में है तो इंग्लिश में, तो उसी को अनुवाद कहते हैं। इनका 3 अनुवाद था जो मैं अभी बता ही दिया हूँ आपको, बेनी संहार, मृच्छकटिक और पद्मावती। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को, ठीक है। और तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं आगे सारांश की ओर। सारांश क्या है बालकृष्ण भट्ट का, जो बातचीत है चैप्टर, उसका सारांश के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत अच्छी निबंध है ये, एक बालकृष्ण भट्ट का जो है बातचीत एक निबंध है, बहुत अच्छा है। हम लोग जो बातचीत करने में जो आनंद मिलता है बस उसी के बारे में है, ठीक है, बहुत अच्छा आपको लगेगा। बातचीत, हम लोग बातचीत करने में कितना आनंद लेते हैं और बातचीत का कितना शैली है, कितने प्रकार से हम लोग बातचीत करते हैं, तो वही सब इसमें बताया गया, बहुत अच्छा निबंध है। तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छा आपको लगेगा, आपके लिए बहुत काम का है। आप जब तक सारांश नहीं जानिए तो कैसे आप इसका क्वेश्चन आंसर बना पाएंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हाँ, और बालकृष्ण भट्ट जो हैं आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता और नायक रचनाकारों में से एक हैं, जैसा लिखा हुआ है। और मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे समझाने वाली बात वो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, जहाँ पे सिंपल में पढ़ना वो मैं सिंपल पढ़ाऊंगा। बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर की दी गई अनमोल वस्तु वाक् शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो हैं बच्चे, हम लोग को देखिए एक वाक् शक्ति, यहाँ पर एक वर्ड है वाक् शक्ति, वाक् शक्ति को मैं बताना चाहूँगा। वाक् शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति, ठीक है, बोलने की जो शक्ति होती है सभी के अंदर होती है, पर कुछ लोगों के अंदर नहीं होती है बोलने की शक्ति, उसी को हम लोग वाक् शक्ति कहते हैं, बोलने की शक्ति को वाक् शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, अर्थात जिनको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं गूंगा, ठीक है, जो बोल नहीं पाते उनके पास भी सब कुछ है, गला है, जीभ है, पर वो बोल नहीं पाते, उनके पास वाक् शक्ति नहीं है, इसीलिए बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, वाक् इंद्रियों में उनकी बाधाएँ पहुँचती हैं इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वाक् शक्ति उसी को कहते हैं। थोड़ा सा मैं ये सब वर्ड को मैं समझाते जाऊंगा जो हार्ड वर्ड है, ठीक है। तो वाक् शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं, जो हम लोग को भगवान वरदान के रूप में दिए हैं, हम ही लोगों को दिए हैं। वे बताते हैं कि वाक् शक्ति मनुष्य में न हो तो पूरे सृष्टि का क्या हाल होगा, सभी लोग मानो सब लूंज बूंज अवस्था में कोने में बैठ गए। वो कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं बच्चों कि अगर वाक् शक्ति हम लोगों के अंदर नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो हमारी क्या
हाल होती, सब कोने में जहाँ तहाँ बैठे रहते, जब बोलते नहीं तो हम लोग एक दूसरे को समझते नहीं, जब समझते नहीं तो क्या होता हमारे साथ, तो आप जानते ही हमारा एक भी काम नहीं संपन्न हो पाता। देखते हैं हम लोग जब विदेश चले जाते हैं और भाषा हमारी अलग होती है, या हम लोग केरल चले जाते हैं इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो हाँ हमारी भाषा देखें हम नहीं समझ पाते हैं भाषा, तो उतना अच्छा हमको वहाँ लगता है, मज़ा ही नहीं लगता। मतलब भाषा के बिना आप कहीं रह ही नहीं सकते हैं, वही चीज़ है। तो सोचिए अगर हम लोग बोल नहीं सकते, तो हम लोग अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो कितना परेशानी हमें होती, यही बताने का प्रयास किए हैं। ये सब मैं अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अपना लगे ये चैप्टर, ऐसा लगे कि एकदम आप समझ गए हैं पूरा। हाँ, पढ़ाने का सही अर्थ ही है, सही मायने में ही होता है पढ़ाना, ऐसा नहीं अब लिखा हुआ तो आप लोग भी पढ़ लेंगे, पर मैं अच्छे से ज़रा समझाऊँगा आपको। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं, लेखक जो बालकृष्ण भट्ट हैं बातचीत के विभिन्न तरीके बताते हैं, मतलब बातचीत करने का विभिन्न तरीका होता है। वे बताते हैं कि घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो घरेलू बातचीत होता है मन रमाने का ढंग होता है, मतलब हम लोग बस घर में गांव में जो बातचीत करते हैं वो सब एक बस मन लगाने के लिए एक ढंग होता है, बस हम लोग किसी तरह से खुश रहें बातचीत करके। जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए, अब दूसरे तरफ बोलते हैं, जहाँ आदमी को अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना घूमना इत्यादि की ज़रूरत होती है, वहीं बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम लोग अपने ज़िंदगी को मज़ेदार बनाते हैं कैसे, खाते पीते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, तो ये सबसे क्या हमारी ज़िंदगी मज़ेदार बनाता है। उसी तरह से ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए बातचीत करना भी बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ सब कुछ है पर हम लोग किसी से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है, किसी से नहीं बोलते हैं, रूठे हुए हैं, घर में गुस्से में हैं, किसी से नहीं बात करते, देखते कितना टेंशन में हम लोग हो जाते हैं। तो यही है बस कि बातचीत करना बहुत आवश्यक है ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे शरीर में कुछ गंदगी या मवाद जमा रहता है या वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। हमारे जो शरीर में है, हमारे मस्तिष्क में है, मन में है, चित्त में है, जो कुछ गंदगी जमा रहता है, टेंशन बना रहता है किसी के प्रति, किसी लोगों के प्रति जो हमको घुसा गया है, किसी से हमारा चीड़ है, ठीक है, तो हम लोग जब तक उसको अंदर में रखते हैं, अपने मस्तिष्क में रखते हैं, मन में ठूस करके रखते हैं, तब तक हमें बहुत परेशानी होती है, टेंशन और बनते जाता है। और जैसे ही हम लोग दो चार लोगों को सुना देते हैं उस तरह की चीज़ें, अपना टेंशन को, देखिए हमारे साथ आज ये प्रॉब्लम हो गया, वो हमको बहुत डांटते डपटते रहते हैं, तो क्या होता है वो चीज़ें बहुत फ्री हो जाती है, मन से धीरे धीरे निकलता है। हाँ, सुनाना कि इनको ये भी आपको ध्यान रखना होगा, सुनाना उन लोगों को है जो आपका अपने लोग हैं। अब ऐसा लोगों को सुना दीजिए वो आपको कहीं भड़का दे, है ना, तो सुनाना अपने आत्मीय लोगों को जो आपको समझते हैं, जो आपका बात को शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप सुनाए किसी के बारे में और वो तुरंत व्यक्ति उसको पहुंचा दिया, तो आपको तो फिर और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए अच्छे लोगों को सुनाना है जो आपको समझते हों। तो जब हम लोग किसी को सुना देते हैं अपना टेंशन को, देखते हैं आप लोग फील करते होंगे, महसूस करते होंगे कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा, धीरे धीरे मन हल्का हो जाता है, ठीक है। तो ही कहा गया इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हाँ, तो यही बात है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। बातचीत करने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यानी उनका गुण दोष का पता चलता है। इस संदर्भ में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए, ये पाश्चात्य विद्वान हैं, कौन, बेन जॉनसन, याद रखिएगा इनका कोटेशन को जो ये बोलते हैं। क्या बोले, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा बेन जॉनसन के बारे में, ध्यान रखिएगा। बेन जॉनसन क्या कहते हैं, बातचीत बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जैसे कि हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग जब बात करते हैं किसी अपरिचित व्यक्ति से, कहीं ट्रेन पे या कहीं भी शहरों में मिलते हैं प्रथम टाइम, या डॉक्टर उक्टर के पास मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं अपरिचित लोगों से, या घर में ही कोई नए गेस्ट आते हैं, तो उनसे जब हम लोग बातचीत करते हैं, समझिए वो भी एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू को ही साक्षात्कार कहा जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जब हम लोगों से पहले बार बात करते हैं तो हम लोग नहीं देखते हैं, समझ जाते हैं कि अगर उसका बोलने से की शैली से ही हम लोग समझ जाते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी बात होती है। तो बोलने से ही आपका मतलब प्रथम व्यक्तित्व पर्सनालिटी का पता चलता है। कपड़ा लत्ता तो है ही अच्छा पहनना चाहिए, और आपका आवाज़ भी अच्छा होना चाहिए। नहीं कि आप बहुत अच्छा हीट सीट पहन करके आए हैं, ब्लेजर वगैरह सूट वूट पहन करके, आप बोली आपका एकदम रफ है, तो आपका कोई वैल्यू देगा, नहीं देगा, यही बात है। तो अब वे कहते हैं कि चार से अधिक बातचीत केवल राम रमोवल कहलाती है। यहाँ देखिए एक बड़े राम रमोवल, राम रमोवल का अर्थ होता है बच्चों कि जो औपचारिक बात होते हैं, मतलब चार से अधिक लोग जब हम लोग एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं तो बस सामाजिक मुद्दे पे बात करते हैं, उस पर हार्दिक जो अंदर की बात होता है, मन की बात होता है, वो नहीं हो पाता है, दिल की बात नहीं हो पाता, अपने दुख को शेयर नहीं करते हैं वहाँ पे बस वही बात करते हैं जो कि औपचारिक होती है, जिसपे सभी को आनंद लगे, ठीक है, वही बात करें, मतलब राम रमोवल अंदर की बातें हम अपना दुख शेयर नहीं कर पाते वहाँ पे। देखिए राम रमोवल मतलब औपचारिक बातें जो सभी को अच्छा लगे।
बातचीत। एक खास बात यह है कि जिसको बात करने का लत पड़ जाता है वह खाना पीना सब छोड़ देता है, ठीक है। जिसे बातचीत का एक सबसे बड़ा ये है, खास बात यह होता है कि जिसको बातचीत करने का लत पड़ जाता है वो खाना पीना भी अपना छोड़ देता है। देखते हैं कि जब हम लोग कुछ अच्छे मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं तो कोई कितना भी फ़ोन करे तो फ़ोन को काट देते हैं, कोई बुलाता है तो उसको कहते हैं बाद में आएंगे, ऐसा होता है ना। जब हम लोग अच्छे लोगों से बात करते हैं, अच्छे मुद्दों पे बात करते हैं, बातचीत करने में मन लगता है, ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, ठीक है, आपके साथ भी होता होगा, आप फील करते होंगे, महसूस करते होंगे, आपका अनुभव भी होगा, मेरा जैसा अनुभव है। और बातचीत के अनेक भेद या अनेक प्रकार को ही बताते हैं कि बातचीत का अनेक भेद है, अनेक प्रकार से हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे देखिए, बूढ़ों की बातचीत हमेशा पुराने जमाने की शिकायत पर हुआ करती है, वे 4-10 झूठ भी बोल जाते हैं। जैसे जो बूढ़े लोग हैं उनकी जो बातें होती है सब बूढ़े जमाने की होती है, मतलब अब पुराने ज़माने की होती है, जो अपने ज़माने की वो बात करते हैं ना, और उनके बातों में कुछ 2-4-10 बातें झूठ भी होती है। हम लोग नई पीढ़ियों को दबाने के लिए कहते हैं कि देखो तो हमारे टाइम में ऐसे होता था, हमारे टाइम में उसे ऐसे होता था, तुम लोग तो एकदम ये हो गए हो, वो हो गए हो, है ना, इस तरह से बोलते थे लोग, मतलब बूढ़े लोग आज भी बोलते हैं, हम लोग को कितना डांट डपट के रखते हैं। वे कुछ ऐसा बात बोलते हैं कि जिससे 4-10 झूठ हो। और फिर बात करते हैं दो बूढ़ियों की बातचीत अधिकांशतः बहू बेटी की चुगली, उनका शिकवा और शिकायत करने पे होता है। जो दो बूढ़ियों की जब बातचीत होती है वो क्या करते हैं, अधिकतर उनको देखते हैं बहुओं से थोड़ा पटरी नहीं बनती है, बेटों से पटरी नहीं बनती है, तो क्या होता है तो वो गिला शिकवा करते रहते हैं आपस में, 2-4 बूढ़ियों मिल करके, होता है ना ऐसा। हाँ, हम लोग देखते हैं अपने समाज में बूढ़ियों को, घर में अपने दादियों वगैरह को भी देखते हैं कि वो चुगली चौथनी करते रहते हैं इधर उधर का, लास्ट में वो क्या बोलेंगे, रहे दा बहनी का करवा, कैसु करके हमरे बेटवा हमरे बहू ने हा, कैसु करके चले दा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। हाँ, दो सहेलियों की बातचीत का अंदाज ही निराला है। जब दो सहेली आपस में बातचीत करती है तो उसका बातचीत करने का अंदाज ही निराला होता है, ऐसा लगता है कि जैसे रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। रस का समुद्र मतलब दो जब सहेली बात करती हैं तो कैसा करते हैं, वो अपने कॉलेज की बात करती हैं, मॉल की बात करती हैं, सिंगार दुकान की बात करती हैं, जीजा दीदी की बात करती हैं, है ना, प्रेमी प्रेमिका की बात करते हैं, वो ऐसे किया, कोई टीचर अच्छे पढ़ाते हैं उसका बात करते हैं, कोई टीचर ख़राब पढ़ाते हैं, या कोई घर में लोग कुछ तरह से बोल दिए हैं, कोई लड़का ख़राब है उसके नज़र में तो उसका बात करते हैं, होता है ना इस तरह से, तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों की बातचीत सुनने में, कभी कभी सुनता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, यानी बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, उनका बात ऐसा चलता है कि समझिए कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अब देखिए, जब दो लड़के बातचीत करते हैं तो खेल संबंधी बात होता है, जैसे दो लड़के जब बातचीत करते हैं खेल संबंधी, अब और भी बहुत प्रकार की बात करते हैं, जैसे दो लड़के हैं नवयुवक हैं तो आजकल क्या बात करेंगे, IPL पे बात करेंगे, PUBG पे बात करेंगे, है ना, फ्री फायर पे बात करते हैं, IPL पे बात करते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसका बात करेंगे, मतलब इस तरह की बातें करते हैं, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, कोई टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब कि जितने भी बढ़िया बढ़िया मूवी आ रहा है उस सब पे बात करेंगे, सीरियल आ रहा है तो सीरियल पे तो लड़कियाँ बात करती हैं, तो ये सब बातें कौन करते हैं बच्चे, लड़के बात करते हैं, मारपीट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लड़के, और लड़के बातचीत पढ़ाई लिखाई पे भी बात करते हैं कुछ। अब देखिए, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यूरोप के लोग बातचीत कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यूरोप के लोग में बात करने का एक हुनर होता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ये मेरा अनुभव है इसलिए मैं आपको बतला दे रहा हूँ। इससे ऐसा बात किया जाता है जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक कला है, मतलब बातचीत करने की कला, जिससे मतलब जो सुनता है उसको बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, मतलब कान को बहुत आनंद मिलता है सुन करके। इस संदर्भ में ललित एडिसन का कहना है कि ज़रूरत से असल बातचीत दो व्यक्तियों में, एक एडिसन है वे भी पाश्चात्य के विद्वान हैं, तो ये क्या कहते हैं कि बातचीत असल में जो ओरिजिनल बातचीत होती है, जो मज़ेदार दिल की बात होती है, वो दो लोगों के बीच में ही होती है, ठीक है। दिल की जो बातचीत से दो लोग हैं तो हम लोग आपस में एक अच्छे मित्र हैं, एक कोई अच्छी सहेली है आपस में, ठीक है, या तो हम लोग दिल की पूरा बात करते हैं, दुख सुख सब शेयर करते हैं, किसी का बुराई करना हो तो पूरा करते हैं, जानते हैं कि किसी को नहीं बताएगा, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का गिला शिकवा एकदम चारों तरफ का कर देते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। दिल की जो बात होती है दो ही व्यक्ति के पास होती है, जो 4-5 लोग आपस में बैठ के बात करते हैं तो वो राम रमोवल होता है, वो औपचारिक बात होती है, दिल की बात दो ही लोगों के बीच में होती है। हाँ, तो अतः बालकृष्ण भट्ट जी ने बात करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन किए हैं,
तो लास्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं जो बातचीत करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन किए हैं इस चैप्टर में। और आप लोग अभी सारांश सब आपका समाप्त होता है हमारी तरफ से, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये प्रथम वीडियो था, अगले पार्ट टू अब आने वाला। पार्ट टू में मैं चैप्टर को डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा वो पैराग्राफ मैं लाने वाला हूँ अगला, जो डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग को कितना अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको कुछ ज़रूरत होगी पीडीएफ वगैरह की नोट्स की तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा अगर आप कहेंगे तब दूंगा। और मेरा चैनल आप शेयर कीजिए जितने भी बच्चे ट्वेल्थ बोर्ड का हैं, और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बनाया हूँ। और जानते ही मेरा 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग बातचीत बंद करते हैं।